या तो उनकी घरवाली ने जबरदस्ती भेजा उन्हें तो टॉप माले पर पहुंचना। जब मंत्री या कोई भी हो खेत में बैठा है गर्मी में, जितनी गर्मी में किसान काम कर रहा है, और जब बनावे नीति का। सभी दोस्तों को नमस्कार, और जिनका भी जन्मदिन हो उन्हें बधाई हो। आज मैं यहाँ हूँ भैया की ऑफिसर्स कॉलोनी में, और आज तो जिम यहीं है ऑफिसर्स कॉलोनी में इनकी भैया की। यहाँ तो खैर फिटनेस का इतना इंतजाम है ज़बरदस्त, अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मैं ज़रा धीरे धीरे जिम पहुँच जाऊँ पहले। ये भैया का हेडफोन ले आया हूँ ताकि जिम में साउंड सिस्टम भी चलता रहे अपना। बाकी बिल्कुल शांति है यहाँ सब, अभी कोई ज़्यादा चहलकदमी नहीं है। यहाँ के तो इतना इंतजाम है कंपनी में, हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है, स्विमिंग पूल से लेके क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड। ये होती है उच्च स्तरीय, उसके बाद देखो फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर आग बुझाने वाले यंत्र भी रखे हैं, और बच्चों को खेलने की फुल सुविधा टोटल। बच्चों का तो खास ध्यान रखा है इन्होंने कि बालक खुश रहेंगे तो माँ बाप ऑटोमेटिक खुश रहेंगे। ये है तमाम झूले बच्चों के, ये इनका फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड पीछे है, वो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। पीछे मेरे बैडमिंटन का, टेनिस का वो है। अरे इतनी सन्नाटा आ गई, भैया वजू ना देवे मुझे यहाँ से, कह तू कौन है। भैया बुला कर आना पड़ा कि चलिए ज़रा आप जिम करवा दो मुझे आप। पर ऐसा होने का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सिक्योरिटी से चेक इन हुए अंदर। इसमें एंट्री करने के लिए 16 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। सन्नाटा बिल्कुल। टेबल टेनिस का है, जिसे टेबल टेनिस खेलनी हो यहाँ खेलो आराम से। जिम का डिपार्टमेंट है ऊपर। यह है जी जिम। छोटा सा जिम है पर है बढ़िया, ना होने से बहुत बढ़िया है भाई। हर सुविधा अवेलेबल है, बस दिक्कत ये है कि कुछ मशीनें नॉट इन यूज़ हैं, ये तीनों ख़राब पड़ी होता मैं। पर अपना है आज शोल्डर का रूटीन, अब मैं ज़रा एक्सरसाइज निपटा लूँ। अभी यंत्र का ज़रा इस्तेमाल करते हैं हम, गाने सुनते हैं। तो जी वर्कआउट हो गया हमारा कंप्लीट, आज शोल्डर का है, छुटने से बहुत बढ़िया रहा। तीन अधिकारी आए हैं यहाँ एक्सरसाइज करने, मैंने शोल्डर शोल्डर की निपटाई और वो पूरी फुल बॉडी का कर गए और चले भी गए। या तो उनकी घरवाली ने जबरदस्ती भेजा उन्होंने वो दूसरा कोई कारण नहीं है। आया ताबड़ तोड़ो हिला उलू का एक दो मशीन है, अब्बल तो इसमें मेरे ख्याल से 30-40% मशीन तो ख़राब पड़ी है। ध्यान देना चाहिए ऑफिसर को भी फिटनेस पे अपनी अपनी। देखो फर्श का क्या हाल हो गया इसका, टाइल्स का सब टूट गई, ये तो चलो अच्छी बात है, मेहनत करी है इस मतलब लोगों ने। यो मशीन है यो ख़राब पड़ी है, बस एक मशीन यो तो सही है, ये सही है। और जी ये तीनों आउट ऑफ यूज़ हैं, मतलब नॉट इन यूज़ है, ख़राब है। इसकी गांठें लगी पड़ी हैं पूरे तार की, यो ख़राब है। और बाकी भी अब उसमें बचे ही क्या, और जब मैं ये मशीन ही हूँ मैं, इसमें भी एक दो ख़राब है। बाकी जी अपना तो वर्कआउट हुआ कंप्लीट, शोल्डर कहा सही हो गया, अभी दो तेरा टाइम लगेगा। उस जिम में हमारे वाले में इसमें बस मुझे एक समानता लगी कि भीड़ वहाँ भी ना है फिलहाल, और भीड़ यहाँ भी नहीं है बिल्कुल भी। तो चटकनी कहाँ गई इसकी, छह झड़ दिख है। तो यहाँ इनका फूल का जुगाड़ भी है, इंतजाम तो फुल है इनके यहाँ। वो बात अलग है कि उपयोग कितना कराएं पता नहीं, उपयोग तो खैर बहुत कम कराएं लोग, सब अपना थक हार के ड्यूटी के टाइम के बाद कौन आ रहा है आज, वो कोई शौकीन आदमी तो खेल सके। पूजा पाठ के लिए मंदिर की व्यवस्था है यहाँ,
अजय कुल मिलाकर आदर्श कॉलोनी है रहने के हिसाब से, फुल सुरक्षित, टनाटन बच्चों के भविष्य के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया, उनके लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है। यो है जी यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, और वो सामने कहाँ गया, सामने हो गया वो है नेट प्रैक्टिस करने का जुगाड़, और सामने है इनका ओपन जिम। कुल मिला के A1 कॉलोनी है मेरे हिसाब से तो, हर सुविधा अवेलेबल, सुरक्षा का फुल इंतजाम, परिंदा पर नहीं मार सकता बिना एंट्री उसके एंट्री करवाए। एक एक्सरसाइज जिम में कर आए हो हम, अब एक एक्सरसाइज करनी है सब जीनों पर चढ़ कर, अच्छा खासा कार्डियो जा रहा है ऊपर तक, सबसे टॉप माले पर पहुँचना है। नमस्ते, हैं ठीक? हाँ आराम से जाऊँगा जी, हाँ। अब तुम गाँव जल्दी भैया नीचे मत चलो, तुम भी अब तैयार हो, अब नीचे कार्डियो को करोगे ना मतलब। अच्छा भैया नाश्ते, तो जी नहा धोकर नाश्ता करके अब हम चल रहे हैं घर को, अपना वाहन खड़ा है यहाँ, कोई चीज़ छुट्टी ना आए, एक्सरसाइज भी हो गई, नहाना धोना भी हो गया है ही, वाहन खड़ा है अपना यू। देखो स्कूल की बस भी अंदर तक आम है, सबसे बढ़िया बात बच्चों की फुल सुरक्षा, हम भी फुल कोऑपरेट करेंगे, देखो रुकेंगे, बच्चों की सुरक्षा का मामला है, रूल्स आर रूल्स माय फ्रेंड। जैसा देश वैसा भेस, जहां जाओ वहां के नियम फॉलो करो, अगर कदर करवानी है तो दोबारा आना, तो और यहाँ अगर अपने नियम चलाने लगूँ, मान लो मैं ही चलाने लगूँ, तो कॉलोनी वाले अगली बार कहेंगे ना भैया तू मत आया कर, नमस्ते कर लो इसे पहले से पहले। अजी अब माँ खुश हो गई है दोनों, अपने बच्चे भेज दिए अपने आराम से, मस्त हो गए, गप्पे लड़ांगी। ये कितने को बुरी लग सके मेरी बात, अगर किसी को बुरी लगे तो या क्षमा प्रार्थी है, हम तो केवल मजाक वाली बात ही हो। और मजाक की भी है, सच्चाई भी है थोड़ी बहुत। गार्ड साहब बिल्कुल चौकन्ने खड़े हैं, सट चल रही है गाड़ी कतई, वैसे मैंने तो 80 चला रखी है, ज़्यादा ना चल रही, पर हाईवे कह रहा है कितनी मर्जी कर उतनी बगा लो, लेकिन हमें तो ध्यान रखना ही है, हाईवे कुछ भी कहता रहो, इसी बात ही माननी है हमें, जो सिखाया गया है कि भाई स्पीड लिमिट में चलना है तो वही करना है हमें भी, और जो भी देख रहे हैं उन्हें भी तुम्हें भी ध्यान रखिए भैया अपनी सेहत का, अपने यहाँ भी लिमिट में चले करो, कोई दिक्कत ना, रेस तो बहुत तेज भगला है, पर जब ब्रेक लगाए जब चला है स्पीड का, स्पीड कितनी। वो जो टोल टैक्स आ गया है जोया वाला, अब एक तरह से 70 रुपये कटन लगे हैं, अब शाम कटवाए हैं, अब तो कायदे में आधे कटने चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर तो आधे कटने चाहिए, अब दिक्कत ये है कि बैलेंस है 110 रुपये बचे हुए, हालांकि इसका काम हो जाना चाहिए, अब वैसे रिचार्ज तो कर दिया है, और मैंने 120 रुपये और डाल दिए उसमें को फास्टैग में को, अब ऐसा ना हो गए,
लो बैलेंस को दिखावे 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा फिर यहाँ। तो देखते हैं अब भाई जी हमारी बारी। कट जाइए भैया, कट तो गया, चलो बच गए 10 मिनट। हम आ गए जी अपने ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे से उतर के। अब यहाँ जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उन्हें देख के, मतलब मैं अंदर बैठा हूँ, मैंने एसी चला रखी है इसकी, तो जैस जहाँ आदमी जिस माहौल में बैठ रहा है उसे बाहर का भी वैसे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर बैठ के कि बाहर भी ठंडक इतनी ही होगी क्योंकि टेम्परेचर इतना मेंटेन गाड़ी के अंदर। अब मुझे पता है कि बाहर टेम्परेचर कितना, खेती में कितनी दिक्कत पड़ा है, कितनी मेहनत लगा है इसमें। तो आदमी जो अब ये जितने भी अधिकारी लोग हैं जो किसानों के लिए या किसी के लिए भी अंदर बैठ के एसी में बैठ के जब नियम बना हुए हैं तो उनके नियम कैसे लागू हो जाएंगे, बाहर कितनी दिक्कत पड़ती होगी आदमी को, कुछ नहीं होता एसी में बैठ के, गर्मी के बारे में कुछ नहीं कैसे बता सकता आदमी। तो आदमी खेत में खड़े होकर जब बनावे ना किसानों के लिए नीति, सरकार भी या कोई भी, जब पता चलेगा कि असल में नीति सही बनेगी जब मंत्री या कोई भी हो खेत में बैठे गर्मी में, जितनी गर्मी में किसान काम करे, और जब बनावे नीति कि हाँ भाई किसान को दिक्कतें हैं क्या क्या। अब एसी में बैठ के आदमी और बाहर गर्मी वाले के लिए नियम बनाएगा तो वो कैसे उसके साथ जस्टिफाई, मतलब जस्टिस कर सकेगा, कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा सके अगर उनने फील्ड का काम भी कर रखा है थोड़ा बहुत। जैसे मैं, हम किसान हैं मैं, तो हमें पता है गर्मी के कैसे कैसे हालात रहे हैं बाहर, और अब एसी के हालात भी पता हमें, इसी वजह से तुलना कर पा रहे हैं। अब जो हमेशा एसी में रहा हो उसे क्या पता गर्मी का एहसास। ये एकमात्र फाटक पड़ा है ये हकीमपुर का, चलो ये भी अच्छी बात है, खुला हुआ मिल गया। कल से कुछ मेहरबान है टाइम इस मामले में हम पे, हमें लाइन में नहीं लगना पड़ गया, अच्छी बात है। चलो एक बड़ा बढ़िया तजुर्बा मिला मुझे यहाँ भी, यहाँ सामने एक दुकान है, मैंने चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक ली है उसके लिए, मीनल के लिए, हिया के लिए। अब मैं यहाँ से अक्सर ले आया करूँ, जब भैया के यहाँ से आया करूँ तो ले जाऊँ, तो अंकल जी मुझे थोड़ा सा पहचान भी रहे। अब अंकल जी ने मेरी चाल की तारीफ करी, पता ना मुझे तो बड़ा क्या बताऊँ कैसा लग रहा है मुझे, अनएक्सपेक्टेड वो है ना, तुरंत उन्होंने कहा भाई चाल बहुत बढ़िया है भाई साहब। अब हर आदमी अपना नजरिया, आज ही अपना चाल अच्छी लगी, बोले पैर में वर्जिश करो उनके, वो तो हाँ जी करो ही हूँ। लो जी आखिरी मोड़ आया हो हमारे घर के रास्ते में का, अब कोई सड़क नहीं बदलनी, हुई सड़क सीधी हमारे गांव में ले जाएगी हमें। अब हम पहुंच गए घर लगभग सवा घंटा मान के चलो, 7 घंटे बज रहे हैं 5:30। अब हम जरा बाजार करने जा रहे हैं, कोकरपुर का बाजार है पास ही गांव का, थोड़ी सब्जी लेके आम है। तो जी मार्केट कर आए हम, ले आए थाम जहाँ, इसी के साथ आज का धारावाहिक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोनों कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।